management issue. So Linda was so popular at one point in the 70s and 80s. We used to say, you can go to now. खूबसूरत आर्ट है और ऑफ कोर्स फर्नीचर पे भी पेंटिंग किया गया है, वो कुछ अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉज के लिए जो ये पेंटिंग्स बेच रहे हैं वो पेंटिंग से बढ़कर कॉज है। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कला अपनी मेहनत को इस तरीके से इतने वक्त इतना टाइम डाल के इतना मेहनत डाल के एक अच्छे कॉज के लिए एकदम डोनेट कर देते हैं। तो ये इवेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि ये कैंसर बच्चों के लिए टाटा रिसर्च सेंटर के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी रिसर्च के लिए, तो ये हम ही लोग हैं जो ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। और ये इनका बड़प्पन है जिन्होंने इतना मेहनत करके इतनी खूबसूरत कलाकारी करके डिसाइड कर लिया कि बस ये पेंटिंग्स अब डोनेशन में चले जाएंगे। सरवरी मैडम, हम सभी जाते हैं कॉज के लिए, ये आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, आपने लोगों को बुलाया, क्या कुछ फील है और ये पेंटिंग का क्या कुछ मतलब होता है? लोग यहाँ पर आ रहे हैं बहुत ही अच्छी, जैसे कि अमीषा जी ने कहा कि बहुत सारी अच्छी पेंटिंग है कॉज के लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही अमीषा जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंस्टेंटली हाँ कर दिया। जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया तो इमीजिएटली उन्होंने पूछा, अच्छा कॉज के लिए है, आर्ट है, डेफिनेटली मैं आऊँगी। सो थैंक यू सो मच अमीषा जी, इट्स रियली सो स्वीट एंड वंडरफुल ऑफ यू। और दूसरी बात ऐसी कि मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, तो
द बेस्ट वे मुझे मालूम है कि मैं कुछ कॉज के लिए कर सकती हूँ, तो मेरी जो कला है उससे बढ़कर क्या है, बिकॉज ये मेरे लिए साधना है. तो फॉर मी आई थिंक टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए ये सब फंड्स जाने वाले, एंड स्पेशली रिसर्च एंड ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, तो उसके लिए थ्रू टेरी फॉक्स फाउंडेशन से हम देने वाले हैं. तो सेकंड थिंग इज, अगर आपने देखे तो मैं काफ़ी स्टाइल्स में डील करती हूँ. कहीं बेल्स है जो स्पिरिचुअल है, फिर प्योर एब्स्ट्रैक्ट्स है, फिर कंटेम्पररी है, आर्किटेक्चरल ज्योमेट्रिक्स है. तो ऐसे 3-4 स्टाइल्स में मैं डील करती हूँ. तो मैंने सोचा एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही मेरे एग्जीबिशन में थोड़े थोड़े सब सीरीज रख, तो क्यों नहीं, इसके लिए मैंने ये सोचा. और मुझे लगता है हम कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जाए तो बहुत सारे हाथ आगे आते हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प यू. सो थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि आप सब आए. थैंक यू सो मच. वेल, बहुत जल्द मेरी होम प्रोडक्शन देसी मैजिक, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उनका टीज़र निकला था, तो उस पर काम चालू है. और भैया जी सुपरहिट सनी देओल के साथ फ़िलहाल ये दोनों, मेरा मेन फोकस मेरे होम प्रोडक्शन पे था, क्योंकि ये मेरा डेब्यू होम प्रोडक्शन है, तो देसी मैजिक से फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ और काम करने के लिए. तो फ़िलहाल देसी मैजिक और भैया जी सुपरहिट, ये दो फिल्में जो मैंने 2 साल पहले इन पे काम किए थे, तो ये काम ख़त्म होगा. और काफ़ी स्क्रिप्टों पे काम चल रहा है, तो धीरे धीरे वो भी ओपन हो जाएगा कि क्या क्या कर रहे हैं. कुछ टाइम पहले आपने कहो ना प्यार पार्ट 2 में काम करने की इच्छा जताई थी, तो कुछ ऐसी बातें हुई एक्चुअली? नहीं, पार्ट 2 निकालना चाहिए. मैं, ये राकेश रोशन जी का प्रोडक्शन है. मैं, ये बहुत ही बेवकूफ़ सवाल है, क्योंकि ये मैं प्रोडक्शन में नहीं खोल सकती. ये राकेश रोशन जी पे डिपेंड है कि उनको करना है कि नहीं. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी इच्छा से ज़्यादा ये लोगों की इच्छा है, ये फैंस की इच्छा है कि कहो ना प्यार है पार्ट 2 निकले. और मोर देन एनी अदर प्रोजेक्ट, ऋतिक और मेरे साथ वो हमें फिर से एक सीक्वल में देखे. लेकिन ऑफकोर्स ऋतिक के साथ तो फ्यूचर में काम होगा ही, लेकिन कौन सी फिल्म में होगा, या वो सीक्वल में होगा या कोई और फिल्म में होगा, ये आपको वेट करना पड़ेगा. मैडम थोड़ा सर, मैडम हाँ जरा मागे वाला सर, खाली सुनिए सर, क्लोज रहा सर, थैंक यू. हेलो तो की थी यार, तो हलू ना दादा, हलू नहीं दादा, मागे वा ना जरा, हलू ना ना मागे वा मजे का हलू ना सर. आप आई नहीं, मैं आ रहा हूं, खाली प्लेस कर मैडम. अरे एक ग्रुप कर लो, अरे बनते ही इसलिए बनते ही थोड़ा ऐसा खाली है ना, अरे वो खाली है.
सादिक किधर है? सादिक मैं एक फोटो काटता हूँ। Thank you.
मेरे लिए एग्जीबिशन एक जैसे एक कलाकार के लिए उसकी अपनी कला का एक प्रदर्शन, जिस तरह से हम भी एक्टर हैं, इधर उधर काम करते रहते हैं, चाहते हैं लोग आएँ देखें। लेकिन आज का ये जो शर्वरी का एग्जीबिशन है ये थोड़ा हटके है, इसलिए क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स जो आज बिकेंगी वो एक कॉज के लिए जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम कलाकार लोगों के लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें ज़रिया नहीं मिलता। जो ज़रिया शर्वरी ने आज ढूंढा है उसकी तारीफ होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आज ये चार थीम्स हैं, तो ये चारों थीम्स में ये फ्लावर्स वाली, वो रेजोनेंट बेल वाली और दी ज्योमेट्रिकल वन, तो ये वैरायटी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और डिफरेंट टाइप ऑफ पीसेज जो हैं, मतलब आज वो जो पिलर वाला पीस है जिसको ऐसे कोने में लगाया जाता है, ये आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। पर्सनल लाइफ में कितना महत्व है आपके पेंटिंग या फिर? भाई महत्व तो ये है कि दी ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर, तो जिसके हाथ में वो पेंटिंग होता है वो उसकी अहमियत जानता है। हम तो सिर्फ अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसकी पॉजिटिविटी को देख सकते हैं। और ये सारी पेंटिंग्स जो हैं इसमें एक बहुत बड़ी सकारात्मक भावना है जो पहले स्ट्राइक होती है। आप अगर किसी भी पेंटिंग को देखें तो सारे कलर्स बिल्कुल ब्राइट हैं और मतलब हमें ललचा रहे हैं। सर, आपके आगे के आने वाली नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो किसमें देखने को मिलेगा? मेरी अब नई फिल्म है घायल रिटर्न्स, सनी देओल खुद उसके डायरेक्टर हैं, तो वही फिल्म आएगी अब। थैंक यू। आपके कुछ किरदार के बारे में जानना चाहिए? अरे नहीं, वो तो जब फिल्म आएगी तब बात करूंगा किरदार के बारे में। थैंक यू। ये सर ज़्यादा टाइम लगता है, बट इसमें
ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा मज़ा आया बनाने में, बट ये कार्नेशन है और कार्नेशंस मुझे अच्छे लगते हैं. जैसे आपने देखे होंगे कार्नेशंस हैं, मैं रोज़ेस भी बनाती हूँ क्योंकि उसमें डेप्थ मैं बहुत सारा डाल सकती हूँ. और आपने अगर देखा ये प्लेन दो कलर्स में ही है, सेपियाज क्रीम्स ब्राउन्स में और ऑरेंजेस हैं, तो इसके लिए वो दोनों ऐसे इससे दिए कि सो दैट इट्स अ कॉन्ट्रास्ट बट द कलर इज़ बैलेंस्ड. और ये पूरी सीरीज जो है दैट इज़ बैलेंस इन कलर बिकॉज जो ये है देर आर जस्ट टू शेड्स ऑफ कलर्स विच आर बीइंग यूज्ड एंड बोल्ड कलर्स है, तो इसके लिए दैट इज़ अ डिफरेंट सीरीज. अगर आपने देखा तो पूरे शो में देर आर फोर सीरीज ऑफ पेंटिंग्स. एक है वो पूरा स्पिरिचुअल है जिसमें मैंने बेल्स ड्रॉ किए, फिर दूसरे में मैंने ज्योमेट्रिकल किए जैसे आर्किटेक्चरल ज्योमेट्रीज है वो, और दैट इज़ यूज्ड विद बहुत बोल्ड कलर्स मैंने उसमें लिए जो एक्चुअली मेरे बहुत फेवरेट सीरीज़ है. फिर ये एक है जिसमें इट इज़ मोनोक्रोमेटिक है जैसे ब्लैक एंड वाइट्स है या सेपिया एंड क्रीम्स है, और उसके साथ वन सिंगल कलर्स है. एंड द लास्ट वन अगर आपने देखा तो वो प्योर एब्स्ट्रैक्ट्स है. तो मैं चारों स्टाइल्स में मैं काम करती हूँ, तो इसके लिए मैंने सब डिस्प्ले के लिए भी रखा है. और जो खास बात रही कि ये पेंटिंग के कॉज के लिए ये सब किया जाए, राइट, एक्चुअली ये जो सब पेंटिंग्स है उसका जो प्रोसीड्स है जो फंड्स आने पर है उसका 50% ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड टेरी फॉक्स फाउंडेशन के थ्रू टाटा कैंसर मेमोरियल के लिए जाने वाले, मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए. एंड स्पेशली जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड. तो अभी डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि वो कौन से बच्चों को यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, बट द फंड्स आर गोइंग टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. साथ ही मेरे घर की यहाँ पर पेंडिंग आपकी सीट अमीषा जी अमृता जी सब क्या कुछ फील करते हैं? डेफिनेटली, इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि एक ने भी नॉट अ सिंगल पर्सन ने ये किया. एक इनविटेशन जस्ट एक वर्बल इनविटेशन के ऊपर सब आए और यू नो यहाँ पे प्रोग्राम की शान उन्होंने बढ़ाई. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दो दे आर वेरी डियर फ्रेंड्स बट आज एक कॉज के लिए जब लोग आते हैं तब मैंने देखा हल्के दो हाथ जब पहले रहते फिर बाय द टाइम जब तक के लिए एग्जीबिशन हो गया तब के लिए हजारों हाथ साथ में आ गए. तो इसके लिए आई वॉज वेरी ग्लैड एंड माई अपील टू एवरी वन वुड बी द सेम कि अपने पास जितना भी है क्योंकि मुझे लगता है ये एक मेंटल एटीट्यूड रहती है. इट इज़ नॉट आपके पास पैसे कितने उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, बट अपने से जो जिन लोगों को अपने से कुछ भी एनी काइंड ऑफ फिलैंथ्रोपी या तो फिर मैं चैरिटी नहीं कहूँगी बिकॉज अगर हम कुछ दे सके देन इट मे बी फिजिकल लेबर, इट मे बी फाइनेंस, इट मे बी एनीथिंग. मुझे लगता है हर एक ने कुछ तो भी करना चाहिए. तो क्योंकि अपने स्टेट में या अपने इंडिया में भारत में सब इक्वालिटी बहुत कम है, तो काफ़ी डिस्पैरिटी है. मुझे लगता है सब ने कुछ ना कुछ तो भी अपने को जितना हो सकता है उतना करना चाहिए. तो ये एक मेरा स्टार्ट था और ये मेरे एग्जीबिशन के थ्रू जो फंड्स आ रहे इसके लिए मुझे काफ़ी लोगों का अपील मिला है, मुझे रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया है. सो आई थिंक दैट इट सेल्फ स्पीक्स. और सेकेंड थिंग इज़ मुझे मीडिया ने बहुत हेल्प की क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कितना भी वी हैव बिग प्लान्स बट अगर देर इज़ नो मीडियम टू गो अक्रॉस एंड रीच पीपल तो आई थिंक मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडियम विच यू हैव. सो आई थिंक आप सब लोगों का बेसिकली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, राइट.